सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको पद्य खंड के सूरदास कृत भ्रमर गीत की व्याख्या पढ़ाऊंगी। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहला पद्यांश है, उदो मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और कंजन की छाई, वै सुरभि वै बच्च दोहिनी खरिक दोहावन जाही, ग्वाल वाल मिल करत कुलाहल नाचत गए गए वाही, हे मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्ता हल जाही, जवही सुरत आवत वासुक की जिय उमगत तन नाही, अनगत भांत करी बहुलीला जसदानंद निवाही, सूरदास प्रभु रहे मौन हुए यह कह कह पछताएं। यहाँ शब्दार्थ देख लीजिए, विस्तृत माने विस्मृत, हंस सुता माने यमुना, कगरी माने किनारा, सुरभि माने गाय, दोहिनी माने दोहिनी की मटकी, खरिक माने बाड़ा, कंचन माने स्वर्ण, मुक्ताहल माने मोती, सुरभि माने स्मृति, उमगत माने उमड़ता है, तन नाही माने शरीर की सुदबुद नहीं रहती, अनगन माने अनेक, निवाही माने निर्वाह किया। संदर्भ इस प्रकार है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य पद्य खंड के भ्रमर गीत नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। यहाँ पर यानी इस पद्यांश में प्रसंग इस प्रकार है, इस पद्यांश में गोपियों को ज्ञान एवं योग का संदेश देने गए उद्धव जब मथुरा पहुंचकर गोपियों का संदेश श्री कृष्ण को देते हैं और उन्हें ब्रज के बारे में बताते हैं, तो उनकी बातें सुनकर श्री कृष्ण को भी ब्रज की याद सताने लगती है। व्याख्या इस प्रकार है, ऊंधो मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाई। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे भी ब्रज की यादें नहीं भूलती हैं। मैं अपने उपायों से ब्रज को भूलने का प्रयास करता हूँ, परंतु ब्रज को भूल नहीं पाता। हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाई, यमुना का सुंदर किनारा, कुंजों की अलौकिक छाँ, ग्वा वह सुरभि वह बच्च दोहिनी खरेक दोहा बन जाएं, गायें उनके बच्चे, दूध दुहने की मटकी और गौशाला में गाय को दूहने के लिए जाना मुझे भुलाया नहीं जाता। ग्वाल वाल मिल करत कुलाहल नाचत गहे गहे वाही, बचपन में हम सब ग्वाल वाले मिलकर कोलाहल करते थे और पहाड़ में बाहें डालकर नृत्य करते हुए तरह तरह के मनोरंजन करते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्ता हल जाएं, मथुरा स्वर्णिम नगरी है, मोतियों मणियों एवं मोतियों की कोई कमी नहीं है, किंतु ब्रज की सुखों की याद आने पर हृदय उमड़ने लगता है। जबकि जब ही सुरत आवत व सुखी जिय उमगत तन्नाई, यानी ब्रज की सुखों की याद आने पर हृदय उमड़ने लगता है, मन व्याकुल होने लगता है। अनगत वात करी बहुलीला जसुदा नंद निवाही, सूरदास प्रभु रहे मौन हुए यह कह कह पछताए। मुझे अपनी शरीर की सुदबुद्ध ही नहीं रहती, ब्रज में अनेक क्रीड़ाएं की, तरह तरह की लीलाएं की, माता यशोदा एवं नंद जी ने मेरी सभी शरारतों को हंसते हुए सहन किया। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए यह कह कह पछताए। सूरदास जी कहते हैं, इतना कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए और ब्रज को छोड़कर आने के लिए बार बार पछताने लगे। पद्यांश नंबर दो देखिए, बिन गोपाल बैरे ने भई कुंजें, तब वह लता लगत तन शीतल, तब वही विषम ज्वाल की पुंजे, वृथा बहत यमुना खगबोलत, वृथा कमल फूलने अले कुंजे, पवन पार घनसार सजीवन दधिसुत किरण भानु भई भुंजे, यह ऊधो कहियो माधव से मदन मार की नहीं हम लुंजे, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्शकों मग जोगत अखियाँ भई छुंजे। यहाँ पर इस पद्यांश में शब्दार्थ देख लीजिए, पहले कुंजे माने गलियाँ, विषम माने भयंकर, ज्वाल माने अग्नि, पुंजे माने सम्मू, वृथा माने व्यर्थ, गुंजे माने गुंजार करते हैं, पान माने पानी, धनसार माने कपूर, तदिसुत माने चंद्रमा, भुंजे माने भूलती हैं, मदन माने कामदेव, लुंजे माने लुंजपुंज शक्त, मग जोवत माने बाट देखते और छुंजे माने छीण। प्रसंग यहाँ पर इस प्रकार है, भ्रमर गीत में गोपियों के माध्यम से सूर ने इस विषमता को व्यक्त किया है कि संयोग अवस्था में सुखदायी वस्तुएं ही वियोगावस्था में दुखदायी हो जाती हैं। इसी दुख को व्यक्त करते हुए गोपियां उद्धव को बता रही हैं कि कृष्ण के वियोग में यह प्रकृति भी दुखदायी साबित हो रही है। व्याख्या इस प्रकार है, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे,
गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना ये कुंज यानी गलियाँ हमें शत्रु के समान प्रतीत होने लगते हैं, अर्थात अत्यंत दुखदायी लगते हैं। तब वे लता लगत तन शीतल अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। जब श्री कृष्ण साथ में रहते थे तो यह लता तन को अत्यंत शीतलता प्रदान करती थी, दिल को ठंडक पहुंचाती थी, लेकिन श्री कृष्ण के बिना यही लता अग्नि की पुंज लगती हैं, अर्थात अत्यंत जलाने वाली प्रतीत होती हैं। वृथा बहत जमुना खग बोलत वृथा कमल फूलन अलगुंजे। अब तो श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में यह लगता है कि यह यमुना भी व्यर्थ ही बहती है, इसका कोई औचित्य नहीं है। पक्षी व्यर्थ ही बोलते हैं, कमल व्यर्थ ही खिलते हैं और उन पर भौरे व्यर्थ ही गुंजार करते हैं। यह ऊंधो पवन पान घनसार सजीवन ददिसुत किरणि भाई भानुक भई भुंजे। इन सबको देखकर मन अंदर से व्यथित हो जाता है, हमारे लिए इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। विरह की स्थिति में वायु, जल, कपूर, संजीवनी बूटी और चंद्रमा की शीतल किरणें भी हमारे लिए ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों के समान दाहक बन गई हैं, दाहक मीन्स अग्नि बन गई हैं। यह उदो कईयो माधव से मदन मार कीनी हम लुंजे। हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से जाकर कहना कि उनके विरह के कारण कामदेव ने हमें मार मार कर हमारे अंग प्रत्यंगों को ढीला कर दिया, अर्थात अशक्त बना दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्शकों मग जोवत अखियाँ भई छुंजे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण का मार्ग देखते देखते उनकी प्रतीक्षा करते करते हमारी आँखें गुंजा के समान लाल हो गई हैं और हमारी आँखें की दृष्टि भी छीण हो गई है। पद्यांश नंबर 3 देखिए। हमारे हरिहारे की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करुई ककरी सूतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी यह तो सूर तिनही ले सौंपो जिनके मन चकरी। शब्द अर्थ इस प्रकार है, हारेल माने हरियल पक्षी जो सूखी लकड़ी गया तिनका हर समय पंजों में तवाए रहता है, जकरी माने रटते रहना, करवी माने कड़वी, व्याधि माने रोग या बीमारी, चक्री माने भ्रमित या चक्र की तरह चलायमान। इस पद्यांश में गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम अनुराग को व्यक्त करती हुई उद्धव को निर्गुण ब्रह्म की सारहीनता बताती हैं तथा विभिन्न तर्क देकर अपनी बात को सिद्ध करती हैं। व्याख्या इस प्रकार है, हमारे हरियाल की लकड़ी, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हर समय लकड़ी दबाए रखता है, अर्थात उसका साथ नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमारे लिए भी श्री कृष्ण का साथ छोड़ना संभव नहीं है। मन क्रम वचन नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, हम लोगों के मन में कर्म में वचन में अर्थात हर तरह से नंद के पुत्र श्री कृष्ण बसे हुए हैं और हमने उन्हें बहुत मजबूती से पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, हम तो सोते जागते स्वप्न में दिन रात काना काना की रट लगाए रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करुई ककरी, कहने का अभिप्राय चेतन अचेतन अवस्था में हमारे अंदर श्री कृष्ण बसे हुए हैं, कृष्ण के प्रति ऐसा अनुराग प्रेम रखने के कारण ही हमें आपके योग एवं ज्ञान की बातें कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं। कड़वी ककड़ी के समान आपका यह योग ज्ञान हमारे मुंह का स्वाद बिगाड़ देता है। जुगत जोग अलागत ऐसो ज्यो कड़वी ककड़ी, यानी कैसा लगता है मुँह का स्वाद, कौन बिगाड़ते हैं, योग ज्ञान हमारे मुँह का स्वाद बिगाड़ देता है, हमें ऐसे विरक्त होने लगती हैं। तू तो व्याध हमको ले आए देख सुनी न करी, गोपियाँ उद्धव को बताना देती हुई कहती हैं आप योग की ये सारी कौन सी बीमारी ले आए इसके बारे में तो हमने ना कभी सुना है ना देखा है और ना इसका अनुभव किया है। इस योग की बीमारी को आप उन्हें दीजिए जिनका मन चक्री के समान इधर उधर घूमता रहता है। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री, यानी मन चक्री के समान इधर उधर घूमता है जिनका मन चंचल है, कहने का तात्पर्य है कि गोपियाँ
गोपियों के अनुसार योग साधना उनके लिए अनुपयुक्त है। उनका चित्त गतिशील है जो इधर उधर भटक रहे हैं। हमारा चित्त तो स्थिर है, इसमें श्री कृष्ण का स्मरण बड़ी मजबूती से बसा हुआ है। गंध्यांश नंबर 4 देखिए। ऊंधो जोग जोग हम नाहीं, अवला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराई, तेई मूदन नैन करत हो हरे मूरत जिनमाही, ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाहीं, श्रवण चीर सिर जटा बंधावऊँ ये दुख कौन समाही, चंदन तज अंग भस्म बतावत विरह अनल अतिदाही, जोग भ्रमत जाहीं लागे भूले सो तो है अपमाही, सूर्य श्याम ते न्यारे न पलछिन ज्यों घट ते पर छाई। शब्द अर्थ देख लीजिए। जोग माने योग और दूसरे जोग माने योग्य। सार ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, मधुकर माने बहुरा, श्रवण माने कान, चीर माने चीर कर, समाही माने सहेगा, तज माने छाड़ कर, भस्म माने राख, अनल माने आग, जाहिन लागे माने जिसे प्राप्त करने के लिए, अपमाही माने अपने अंदर, घट माने शरीर। इस पद्यांश में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि योग साधना उनके लिए उपयुक्त नहीं है तथा तरह तरह के उदाहरण देकर उद्धव को समझाने का प्रयत्न कर रही हैं। ऊंधो जोग जोग हम नहीं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम योग के योग्य नहीं हैं, हम तो अवला हैं। अवला सार ज्ञान कह जाहें कैसे ध्यान तराएं, हम तो अवला हैं। आप जिस निराकार निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, हम भला उनका ध्यान कैसे धर सकती हैं। तेई मूदन नैन कहत हों हरे मूरत जिन माही, हे उद्धव, आप हमें अपने नेत्रों को बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन इन नेत्रों में तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाहीं, यानी छल प्रपंच से भरे योग की कहानी हमारे लिए रुचिकर नहीं है। योग साधना के लिए आप हमें अपने कानों को छिदवाने तथा सिर पर जटाएं बांधने के लिए कहते हैं। श्रवण चीर सिर जटा बंधावऊँ ये दुख कौन समाही, कहते हैं, कहने का मतलब है कि योग साधना के लिए आप हमें अपने कानों को छिदवाने तथा सिर पर जटाएं बांधने के लिए कहते हैं। यह तो बिल्कुल ऐसे है जैसे आप हमें शीतल चंदन का त्याग करके अपने शरीर के अंगों पर भस्म लगाने के लिए कह रहे हों। चंदन तज अंग भस्म बतावत विरह अनल अतिदाही, कहने का मतलब है कि वह कह रही हैं कि ऐसे लग रहा है जो आप बातें कह रहे हैं कि शीतल चंदन का त्याग कर दें और अपने शरीर पर भस्म को लगा लें। जोग भ्रमत जाहे लगी भूले सो तो है अपमाही, सूर्य श्याम ते न्यारे न छल पलछिन ज्योंगट ते परछाई। इससे तो हमारे शरीर की तपन और बढ़ जाएगी। योगी जन ब्रह्म को पाने के लिए साधना के मार्ग पर भ्रमित हो रहे हैं, पर वह ब्रह्म तो हमारे हृदय में पहले से ही बसा हुआ है। वह ब्रह्म तो हमारे शरीर में ही निवास करता है। गोपियां क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार शरीर से छाया अलग नहीं हो सकती, यानी सूर्य श्याम ते न्यारे न पलछिन ज्यों घटते परछाई, जिस प्रकार से शरीर से छाया अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार हमारे हृदय से श्री कृष्ण अलग नहीं हो सकते। एक पल एक क्षण के लिए भी हम उनसे अलग अपने अस्तित्व के बारे में नहीं सोच सकते। देखिए, लड़काई को प्रेम कहो अल कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत, वह चितवन वह चाल मनोहर वह मुस्कान मंद धुनि गावन, नटवर वेश नंद नंदन को वह विनोद वह बनमते आवन, चरण कमल की सोंह करते हों यह संदेश मोहि विष समलागत, सूरदास पल मोहि न विसरत मोहन मूरत सोवत जागत। यहाँ शब्द देख लीजिए, अली माने भौरा या सखी, ब्रजनाथ माने चरित, ब्रजनाथ चरित माने कृष्ण का वर्णन, अंतर्गत माने चित्त की वृत्ति, मंद बुद्धुनि माने धीरे स्वर में, सो माने सौगंध, सम माने समान, विसरत माने भूलना। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बचपन का है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। लड़काई को प्रेम कहो अले कैसे छूटत, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम, हमारा स्नेह बचपन का अर्थात बहुत पुराना है, वह इस तरह आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता। कहा
कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत, अर्थात श्री कृष्ण चरित के बारे में तुम्हें कहाँ तक बताएं और कितना बताएं। उनके साथ व्यतीत किया एक एक पल हमारी अंतरात्मा के लिए परमानंद की प्राप्ति जैसा है। वह चितवन, वह चाल मनोहर, वह मुस्करमंद धुनिगावन, उनकी वह तिरछी भौहें, मन को मुग्ध करने वाली चाल, वह मुस्कान और बांसुरी की वह मधुर मंद ध्वनि संगीत, उनका लीलाकारी वेश, नंद के बेटे का वह हंसी मजाक करते हुए बंसी लौटने की छटा, नटवर वेश नंदन का वह विनोद, वह वनते आवत यानी बंसी लौटने की छटा आदि मन को परम आनंद की प्राप्ति कराते हैं। चरण कमल की सोह करते हों यह संदेश मोहि विष समलागत। हम गोपियाँ कह रही हैं, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि उन्हें कृष्ण की यानी कृष्ण के चरण कमल की सौगंध खाकर कहती हैं कि हमें तुम्हारे निर्गुण की उपासना संबंधी संदेश विष के समान लगता है। सूरदास पल मोहिन विसरत मोहन मूर्त सोवत जागत। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि उन्हें श्री कृष्ण की मोहिनी मूर्ति सोते जागते उठते बैठते एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती, तो फिर उनको हमेशा के लिए कैसे भुलाया जा सकता है।